नमस्कार दोस्तों, करियर बिल्डर मैथमेटिक में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट की आज की क्लास। अपने पास पहला क्वेश्चन है कि 9000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। तो चलिए, अपने पास जो प्रिंसिपल है वो है 9000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपने पास 10%, और जो टाइम की ड्यूरेशन है अपने पास वो है 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। देखिए, अगर ये 2 ईयर होता तो अपने 2-2-1-2-1 वाला फार्मूला अप्लाई करते, 3 ईयर होता तो 3-3-1 वाला अप्लाई करते, लेकिन अपने पास जो दिया हुआ है वो 2 ईयर के साथ 4 मंथ भी है। जब ऐसा है तो अपने इसे इसके बेसिक फार्मूले से करेंगे, और इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू 100 + R/100 (time) = amounts। देखिए, इस प्रिंसिपल को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो फार्मूला बन जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का। मतलब एक सिंपल फार्मूले से, एक ही फार्मूले से अपने सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं जब अपना क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल चला जाए या उलझन भरा हो। तो चलिए, अपने पास में जो प्रिंसिपल है वो है 9000 × देखिए, अब इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। पहला कि अपने पास में टाइम कितना कंप्लीट है, और दूसरा कि अधूरा टाइम कितना है। तो अपने पास 2 साल पूरे हैं, तो 2 साल जो कंप्लीट है उनके लिए अपने 100 में रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्लीट को ऐड करेंगे। तो 100 में पहले साल के लिए ऐड किया 110/100 × सेकेंड ईयर के लिए ऐड किया 110/100, यानी कि ये फर्स्ट ईयर के लिए और ये सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि 2 साल कंप्लीट है तो 100 में आर हर बार कंप्लीट ऐड करूंगा। लेकिन इसके बाद अपने पास रह गया 4 मंथ, तो सबसे पहले ये आपके समझने वाला पार्ट है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, उस 4 मंथ को ईयर में चेंज कीजिए। तो ये अपने पास हो जाएगा 1/3 ईयर। यहां तक समझ आ गया कि सबसे पहले उस टाइम है, मंथ में है तो 12 से, और डेज में है तो 365 से डिवाइड करोगे, उसे किस में चेंज करोगे, ईयर्स में। अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को उठाइए, कितनी थी इस क्वेश्चन में, 10% थी, और जो भी टाइम है उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अपने पास आ गया 10/3%। जो 4 महीने थे उनके लिए कितना यूज़ करेंगे, 10/3%, यानी कि सबसे पहले टाइम को कन्वर्ट किया ईयर में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट और उस टाइम का मल्टीप्लाई किया, जो भी आया वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई उतने टाइम के लिए। 4 मंथ है तो 4 मंथ की कितनी आ गई, 10/3। अब इस 10/3 को 100 + R/100 में ऐड करके रखेंगे। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, देखिए, जैसे ही 100 + 10/3/100, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा और समझ से बाहर हो जाएगा। तो अपने क्या करेंगे, नॉर्मली इस क्वेश्चन को करने के लिए, इसे 100 में ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10/3। अब मैंने कहा था जो ऊपर है वो लास्ट में रहने दीजिए और जो नीचे है उसे फर्स्ट में ले जाइए। तो मैं 3 को फर्स्ट में ले गया, ये हो गया 310, 3 डिजिट ऊपर और 3 डिजिट नीचे। अब जो नीचे बचा हुआ है उसे 3 डिजिट में बनाने के लिए जितने स्पेस खाली है उतना 0 लगा दीजिए। तो ये अपना हो गया 310/300, 0 से 0 मैं कैंसिल कर देता हूँ। आई होप कि समझ में आया होगा। अब इसे नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। तो देखिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, कट गया, और ये 3 से कट गया 3 बार,
तो मेरे पास आ गया 3 × 11 × 11 × 31। मैं 31 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास आएगा 93। अब देखिए 93 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 3 × 12 × 10 1023, और 1023 को फिर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा 3 × 5 × 2 = 11। तो अपने पास में जो अमाउंट बन गई वो हो गई 11,253 रुपये, 11,253 रुपीज़। अब कितनी अमाउंट दी गई थी उधार, ये अमाउंट आ गई। अब अपना प्रिंसिपल कितना था 9,000, तो मैं उसे बाहर निकाल देता हूँ 3, 5, 2, 2। तो मेरे पास 2,253 रुपये क्या बचा, कंपाउंड इंटरेस्ट बचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पास 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। तो चलिए अपने एक बार दोबारा से उसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं कि प्रिंसिपल इंटू 100 + R/100 power time = amount। तो प्रिंसिपल अपने पास में जो यहाँ पर था वो था 18,000 रुपया। प्रिंसिपल जो अपने पास यहाँ पर था, प्रिंसिपल अपने पास जो यहाँ पर था वो था 8,000 रुपये। तो मैंने लिखा 8,000 × 100, में R को ऐड करेंगे, R यहाँ थी 15%, तो ये हो गया 150/100 इंटू, ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 115/100, क्योंकि 2 साल कंप्लीट है तो मैं 15 को दोनों बार 100 में कंप्लीट ऐड करूँगा, लेकिन तीसरा साल सिर्फ 4 मंथ है। तो सबसे पहले मैंने उस 4 मंथ को चेंज किया ईयर में, तो ये हो गया 1/3 ईयर। और अब मैं इस ईयर के साथ जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कट गया 5 पे, तो मेरे पास आ गया 5%। अब उस 4 मंथ के लिए मेरे पास आ गया 5%, इसे मैं 100 में ऐड करता हूँ और यहाँ रख देता हूँ। क्लियर, अब अपने इसे काट देते हैं, अगर ये कट रहा है तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। आगे अगर अपने काटें तो ये 25 से कट गया, 4 से कट गया 25 बार, ये 4 से कट गया 2 बार, ये 2 से कट गया 5 बार, ये 5 से कटा 21 पे, ये कट गया 5 से 23 बार, ये 5 से कटा 5 बार, और ये 5 से फिर कट गया 23 पे। तो मेरे पास यहाँ पे फाइनल जो आ रहा है वो आ रहा है 23 × 23 × 21। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो चलिए जैसे ही अपने इसको करते हैं, ये 23 का स्क्वायर हो गया जो होता है 529, और मल्टीप्लाई में इसके साथ 21 है। अब मैं इसे 21 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 21 का 9 × 189 = 18, 21 का 2 × 42 मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो ये हो गया 66 बच गए, और 21 का 5 × 105 = 111, तो मेरे पास हो गया 11,109 रुपया। अब ये मेरे पास आया है अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें से कितनी पेमेंट थी 8,000, अगर ये अमाउंट पूछ रहा है तो यही आंसर है, लेकिन अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट मांग रहा है तो मैं इसमें से 8,000 को माइनस कर देता हूँ 901, और ये बच गया 3, तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3109 रुपये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि 20,480 रुपये का 6 से 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। तो देखिए सबसे पहले
अपने पास जो प्रिंसिपल है वो है 20,480 रुपये इंटू, अब देखिए अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6/4, जिसे मैं लिख सकता हूँ 25/4, और इसे 100 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 100 में ऐड करने के लिए 100 प्लस आर अपॉन 100 में रखने के लिए मैंने बताया था जो नीचे है उसे ऊपर ले जाइए, तो ये 4 सबसे पहले ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 425, और नीचे बचा हुआ है 4, इसे 3 बनाने के लिए इसके आगे 20, तो मेरे पास आ गया 425/400। दूसरा साल भी कंप्लीट है तो 425/400, लेकिन गौर से देखिए अपने पास तीसरा साल कंप्लीट नहीं है, सिर्फ उसके 73 डेज, तो मैंने कहा था अगर मंथ है तो उसे काटिए 12 से, और अगर डेज है तो उसे ईयर में चेंज करने के लिए काटिए 365 से। जैसे मैं इसे 365 से काटता हूँ ये बन गया 1/5, और मैंने कहा था जितना भी टाइम आए उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो अपने पास आ गया 5/4। अब 73 दिन के लिए इस 5/4 को 100 प्लस आर अपॉन 100 में रखूँगा, तो जैसे मैं इसे करता हूँ तो मैंने आपको 100 प्लस आर में ऐड करने का तरीका बताया था कि 4 को ऊपर ले जाइए और जो ऊपर है उसे लास्ट में रखिए, 3 डिजिट कंप्लीट नहीं हो रहे तो जो बचा हुआ है उसके लिए मिडल में 0 डाल दीजिए, नीचे अपने पास 4 था इसे 3 डिजिट में बदलने के लिए इसके आगे जितने स्पेस खाली है उतने 0 लगा दीजिए। तो मैंने जैसे ही किया ये हो गया 405/400, क्लियर। चलिए अब अपने इसे काट देते हैं जितने से ये कट रहा है, तो देखिए मैं इसे काट देता हूँ 0 से, ये 0 कैंसिल हो गया, अब इसे काट देते 5 से, ये 5 से कट गया 81 पे, और ये 5 से कट गया 8 पे। अब देखिए मैं इसे काटता हूँ 4 से, तो जैसे ही मैंने इसे 4 से काटा ये 4 से कटा 5 पे, उसके बाद 1 पे, और उसके बाद 2 पे 512, ये 4 से कट गया 512 पे, और ये 4 से कट गया 2 पे। फिर मैं इसे 2 से काट देता हूँ, ये 2 से कटा 2 पे 4, 5 और 6, ये आ गया 256। चलिए फिर मैं इसे 4 से काटता हूँ, ये 4 से कट गया 100 से कट गया 4 बार, यानी कि 4 के टेबल पे 100 बार, इसे 4 से काटते हैं तो ये 4 से कटेगा 6, 24, 4, फिर काट देते हैं ये 16 से कट गया 4 बार, और ये कट गया 25 से 4। अब मैंने इसको काटा, ये 4 से कटा 100 बार, ये 4 से कटा 4 बार, और इसे 4 से काटा तो ये आ गया 25। देखिए अब इसे 25 से काट देते हैं, तो मैंने इसे काटा 25 से एक बार कटाइए 25, 7 और 25 सात 175, ये कट गया 17 पे, और इसे काटा दिए फिर कट गया 17 पे, तो फाइनली मेरे पास इसमें आ गया, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो गई, फाइनल आ गया कि 17 का स्केट 289 और इसका 81 से, मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ 9, 8 और 72, 72 एंड 8, 80, 8 बच गया 2, और 2 और 8 10 और 64, तो अपने पास हो गया 64 एंड 2 14, 7, 74, बचे 7 और 16 और 7, 23, अपने पास हो गया 23,409। अब देखिए ये जो 23,409 आया है ये अपना अमाउंट आ गया, इसने पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अपने इसमें से 20,480 को माइनस कर देते हैं तो ये बचा 9, ये बचा 2, 13 में से ये 9 और ये 2, तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2,929 टाइम्स। देखिए कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो गई, अदरवाइज ये नॉर्मल क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बैंकिंग में ज़्यादा आता है। क्वेश्चन है, 10,000 रुपये का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% हो। चलिए देखते हैं। देखिए अपने पास पेमेंट थी 10,000 रुपये, पहले साल के लिए अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 4%, दूसरे साल के लिए थी 5%, तो 100 में ऐड कर देंगे, और तीसरे साल के लिए अपने पास थी 6%। जैसे ही मैं इसे काटता हूँ, 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो गई। अब देखिए जो भी मेरे पास बचा हुआ है 104, 105 और 106, इनका मल्टीप्लाई करके मैं 2 छोड़ के 0 डाल दूंगा, तो इन सब का जो मल्टीप्लाई आएगा वो अपने पास में आएगा 11,57,520, और 2 छोड़ के मैं पॉइंट डाल देता हूँ तो मेरे पास आ गया 11,575.20 रुपीज़। ये अपनी अमाउंट आ गई टोटल। अगर अमाउंट पूछे तो आंसर आ चुका है। अगर ये पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, तो इसमें से 10,000 को माइनस कर देंगे, तो जैसे ही मैं 10,000 को माइनस करूंगा तो अपने पास बच जाएगा 1575.20, 1575.20, ये अपना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये है, वो धन पता कीजिए। तो देखिए अपने पास में जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है वो है 331 रुपये, 331 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो है 10%, और जो टाइम की ड्यूरेशन है वो है 3 ईयर। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं, तो मैं जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/10, इतना ही होगा। तो मैंने आपको बताया था ये जो नीचे वाला पार्ट है ये प्रिंसिपल का काम करता है, और ऊपर वाला पार्ट इंटरेस्ट का काम करता है। सिंपल में भी बात कर चुके हैं और कंपाउंड में भी बात कर चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ फर्स्ट ईयर के लिए, यहाँ लिख लूँ प्रिंसिपल और यहाँ लिख लूँ अमाउंट, यानी कि 10 रुपया एक साल में 1 रुपये का ब्याज कमा रहा है, तो वो आफ्टर 1 ईयर कितना बन रहा है, 11। सेम दूसरा साल हुआ कि 10 रुपये पे कितना ब्याज मिला, 1 रुपये, तो पेमेंट कितनी होगी, 11। बात 3 साल की हो रही है तो तीसरे साल भी क्या हुआ, 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिला, कितना हो गया, 11। अब मैंने आपको बताया था कि इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो गया 1000 यूनिट, और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1331 यूनिट। ये अपने पास हो गया प्रिंसिपल और ये अपने पास हो गया अमाउंट। और अपने को पता है कि अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होता है वो इंटरेस्ट होता है, तो अपने पास इंटरेस्ट के कितने यूनिट आ रहे हैं, 331 यूनिट आ रहे हैं। मतलब अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं यूनिट में तो वो कितना है, 331 यूनिट, और अगर मैं पेमेंट में बात करूं तो वो कितना है, 331 रुपये। यानी कि 331 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 331 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 1 रुपीज़ आ गई। अब अपने से प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल के कितने यूनिट हैं, 1000, 1 यूनिट का 1 रुपया, तो 1000 यूनिट का 1000 रुपया, तो मेरे पास प्रिंसिपल आ गया 1000 रुपीज़। 1000 यूनिट इंटू 1 रुपीज़ इक्वल टू 1000 रुपीज़, तो अपना आंसर आ गया 1000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि किसी धन का 16/2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1270 रुपये है, तो वो धन कितना है। तो देखिए अपने पास यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 16/2/3%। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो ये बन जाएगी 1/6 रुपीज़। क्लियर हुआ। तो मैं इसे नॉर्मल तरीके से दोबारा करता हूँ कि पहले साल प्रिंसिपल कितना था, 6 रुपये, और अमाउंट लास्ट में कितनी हो गई, 7 रुपया, क्योंकि 6 रुपये ने 1 रुपया ब्याज कमाया तो कितना हो गया, 7। अगले साल सेकंड ईयर भी क्या हुआ, 6 रुपया लास्ट में कितना बन गया, 7। उसके बाद थर्ड ईयर भी क्या हुआ, 6 रुपया कितना बन गया, 7। यानी कि अगर मैं बात करूं
तो 3 साल का प्रिंसिपल का यूनिट कितना बन रहा है, 6 × 6 × 6, मेरे पास कितना हो गया प्रिंसिपल का जो यूनिट आ गया मेरे पास वो आ गया 216 यूनिट। अब बात करते हैं 7 × 7 × 7, तो ये हो गया 343, यानी कि मेरे पास अमाउंट का जो यूनिट आ गया वो कितना आ गया 343 यूनिट्स। अब अगर मेरे से कोई पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो मैं इन दोनों के गैप को बता दूं, यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल निकालो क्या बचेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास बन रहा है 7 × 2 = 127 यूनिट। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। देखिए अपने पास कंपाउंड कितना है यूनिट में, 127 यूनिट, और रुपए में कितना दिया हुआ है 1270 रुपये, यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास आ गई 10 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपये, तो अपने से पूछा गया था प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना है 216 यूनिट, 216 यूनिट प्रिंसिपल है और एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपये, तो मेरे पास प्रिंसिपल हो गया 2160 रुपये, 2160 रुपीज़। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है, बेस्ट लग रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन पर साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो इस धन पर इतने ही समय का इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अपने पास जो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है वो है 1200 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपने पास 5% और टाइम की ड्यूरेशन है 3 ईयर। देखिए अपने पास सारा कुछ दिया हुआ है, तो मैं प्रिंसिपल में प्रिंसिपल का फार्मूला लगा देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट में, तो प्रिंसिपल का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, ये 15 हो गया और ये 15 से कट गया 8 पे, तो मेरे पास प्रिंसिपल आ गया 8000 रुपये। पहला आंसर आ गया कि कितनी पेमेंट उधार दी गई थी 8000 रुपये, तो मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को हटा देता हूँ और यहाँ पे प्रिंसिपल रख लेता हूँ 8000 रुपये। अब ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इतनी ही पेमेंट का, इतने ही टाइम का, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो देखिए 3 साल के लिए फार्मूला लगा देते हैं कंपाउंड का 331, टाइम का रोल ख़त्म, 8000 का 5% 400, पेमेंट का रोल ख़त्म, 400 का 5% 20 और 20 का 5% 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 1200, इसे किया ये हो गया 60 और ये हो गया 1, सबको ऐड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 1261 रुपये। तो अपना आंसर आ गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये पेमेंट कितना कमाएगी, 1261 रुपये कमाएगी, 1261 रुपीज़ कमाएगी, मतलब सिंपल से 61 रुपीज़ एक्स्ट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर कोई धन 6 साल में 60% की वृद्धि करता है, तो बताइए इसी दर से 12000 रुपये 3 साल में कितना चक्रवर्ती ब्याज कमाएंगे। तो सबसे पहले देखिए सिंपल में अच्छे से बात कर चुके हैं कि जो परसेंटेज में बात हो जब भी आपके पास, तो आप प्रिंसिपल को 100 रुपये मान लीजिए, जितना इंक्रीज कर रहा है वो आपका इंटरेस्ट ही होगा। याद रखना पेमेंट पर जो एक्स्ट्रा मनी मिलती है, जो वृद्धि मिलती है, जो ज़्यादा मिलता है वही इंटरेस्ट या लाभ होता है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बन गया मेरा 60 रुपये और टाइम की ड्यूरेशन है यहाँ पे 6 साल, लिखा हुआ था कि 6 साल में 60% की वृद्धि करता है, तो मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देता हूँ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला लग गया सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, 100 से 100 कट गया और ये इस पर कट गया
दस बार, तो आंसर आ गया 10%। मतलब कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, 10%। दूसरा, अगर आप इसे सिंपल इंटरेस्ट के मेरे शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हो तो देखिए 60% बोला इसने, 60% को क्या लिखूंगा, 60% क्या होता है, अगर मैं 60% को चेंज करूँ फ्रैक्शन में तो ये कितना बनेगा, 3/5। और मैंने बोला था जब भी फ्रैक्शन में बात हो इनटू 100 कीजिए और नीचे जो भी दिया हुआ है टाइम या रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रख दीजिए, मैंने अच्छे से बताया था मल्टीपल वाले क्वेश्चनों में। तो जैसे ही मैं करूँगा ये कट गया 2 पे, ये 10 हो गया 0, आंसर आ गया 10%। आप जैसे भी करना चाहो, आपको जो ईजी लगे कि फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, फ्रैक्शन इंटू 100, नीचे जो भी टाइम या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, मैं सिंपल इंटरेस्ट में बड़े अच्छे से समझा चुका हूँ ये। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे सिंपल इंटरेस्ट के वीडियोस को देख के इन्हें सीख सकते हो। तो चलिए, अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 10%। अब अपना क्वेश्चन बन गया कि 12,000 रुपये का 3 साल का 10% से कंपाउंड इंटरेस्ट पता कीजिए। तो 3 साल के लिए फार्मूला 3-3-1, टाइम का रोल खत्म। 12,000 का 10% 1200 का 10% 120 और 120 का 10% 12, ये हो गया 3600। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 360 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और सबको ऐड कर देंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 3972 रुपीज़। ये अपना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर हुआ, आई होप कि समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह धनराशि कितनी है जिस पे 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 132 रुपये है। देखिए, अगर अपने क्वेश्चन को गौर से देखें तो यहाँ बोला गया है कि दूसरे वर्ष का, यानी कि पहले साल का कंपाउंड कितना है पता नहीं, लेकिन दूसरे साल का जो कंपाउंड है वो 132 रुपये है। टोटल 2 साल का कितना है ये भी नहीं दिया हुआ, ओनली सेकंड ईयर का दिया हुआ है, यानी कि दूसरे साल का। तो चलिए इसे बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से करते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग के वीडियोज़ में बताया था कि मैं इस 10% को फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ, तो ये हो गया 1/10, ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट 1 साल का। तो मैंने बताया था कि नीचे वाले को जितना टाइम दिया हुआ हो उस पर उतनी पावर डालिए, तो मेरे पास 2 साल है क्योंकि वो दूसरे साल का बोल रहा है, तो कम से कम 2 साल है, तो मैं इस पर पावर 2 करता हूँ, तो 10^2 होता है 100। मतलब मेरे पास में टोटल कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया 100 यूनिट। अब ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, तो देखिए पहले साल का 1/10 10 रुपया, यानी कि पहले साल का साधारण ब्याज 10 रुपया, दूसरे साल का 1/10 फिर 10 रुपया, यानी कि 100 यूनिट पे पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपीज़, 10 यूनिट, दूसरे साल का भी 10 यूनिट। ये तो सिंपल हो गया। अब कंपाउंड में क्या होता है, ब्याज का ब्याज मिलता है, तो इस 10 का दूसरे साल, ये पहले साल का जो 10 यूनिट ब्याज है इसका दूसरे साल के लिए कितना बनेगा, वही 1/10, 10 का 1/10 1 रुपीज़, यानी कि पहले साल का कंपाउंड 10 रुपये, क्योंकि पहले साल का सिंपल और कंपाउंड सेम होता है, दूसरे साल का कंपाउंड 11 रुपये, दोनों साल का 21 रुपये, 21 यूनिट रुपये बोलो या यूनिट, यानी कि मेरे पास दूसरे साल का कंपाउंड कितना है 21 यूनिट। ओनली सेकंड ईयर का जो मेरे पास में है वो है 21 यूनिट। दूसरे साल का कंपाउंड 11 यूनिट और दूसरे साल का कंपाउंड कितना दिया हुआ है 132 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ गई 12 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12 रुपये और मेरे से पूछा गया तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए धनराशि यानी कि प्रिंसिपल यूनिट में कितना है 100 यूनिट और मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12। अगर 1 यूनिट की 12 तो 100 यूनिट की 1200 रुपये और यही पूछा गया था कि प्रिंसिपल कितना है तो आंसर आ गया 1200 रुपये। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो आप अपने चैनल कैरियर बिल्डर मैथमेटिक को
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।